हेलो दोस्तों, रोजगार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान, और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज मैं कुछ बातें ऐसे शेयर करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को मिस मत करना, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। आजकल लोगों के साथ में इतना फ्रॉड हो रहा है कि हर जगह आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि फेक न्यूज़ चल रही हैं, और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में जॉब्स वगैरह पोस्ट हो रही हैं, या ऑनलाइन जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी इस तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप ऐसे जॉब से या ऐसे स्कैम से बच के रहें। आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप घर में बैठे हैं और आपके पास काफ़ी टाइम है काम करने के लिए, और आप कोई ऐसा काम ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से आपका टाइम यूज़ हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ कि अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं और आपका ऑनलाइन कोई सिस्टम चल रहा है या ऑनलाइन आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। अगर आपने ये बातें याद नहीं रखी तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के बाद में आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है, वर्क फ्रॉम होम में जो काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके पास जो बची कुची राशि हो, बचा कुचा जो अमाउंट बैंक में जमा हो, वो भी खाली हो जाएगा। तो आज इसमें मैं 10 बातें ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें से आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। मैंने हालांकि पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, 20-25 वीडियोज़ मैंने फ्रॉड और फेक पे बनाए हुए हैं कि आपको फ्रॉड जॉब्स कैसे पता करना होता है, फ्रॉड ऑफर, फेक ऑफर लेटर कैसे पता करना होता है, फेक जॉब कंसल्टेंसी पता कैसे करना होता है, ऑनलाइन जॉब स्कैम्स कैसे होते हैं, सोशल मीडिया जॉब स्कैम कैसे होते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं दोस्तों। यही एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करने वाला हूँ कि वर्क फ्रॉम होम में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे स्कैम्स में फंस के अपने बैंक अकाउंट को खाली करा दें। तो आज 10 बातें बताने वाला हूँ, और कैसे कैसे जो जॉब्स होती हैं वो जेन्युइन होती हैं ऑनलाइन पे, मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। आप देखते रहिए वीडियो को, सारे 10 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर भी करते रहिए वीडियो को। उसके पहले लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें कि आपके साथ अगर एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, अगर ऑनलाइन आपने कभी काम किया, आपके साथ कुछ अलर्ट्स हुए हैं या फ्रॉड या फेक हुआ है, तो आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए वो भी शेयर करें, ताकि और लोग जो देखें वीडियो को उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जानकारी मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें उन्हें चेक करनी चाहिए। फिलहाल आज मैं 10 पॉइंट बताने वाला हूँ, इनको ध्यान से सुनिए और शेयर भी करिए लोगों में। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये जॉब स्कैम है या नहीं, हाउ टू नो दिस इज अ स्कैम और नॉट। तो आपको ये चीज़ पता करने के लिए करना क्या क्या होगा, जैसे ही आपके पास कोई ऑनलाइन जॉब आती है तो सबसे पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में, जो वेबसाइट से आप जो है जॉब सर्च कर रहे हैं, उस वेबसाइट के बारे में ज़रा फीडबैक देखना पड़ेगा, आपको रिव्यू देखना पड़ेगा गूगल में डाल के उसकी वेबसाइट का नाम, और उसमें से जो वेबसाइट कंपनी की डिटेल दी होती है उसको आप जब गूगल में डालेंगे, उसका रिव्यू डालेंगे, फीडबैक डालेंगे, तो उसमें से अगर कुछ इस तरह के स्कैम्स हुए होंगे तो गूगल आपको ज़रूर बता देगा। ये चीज़ आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ कि कैसे पता करें कि जॉब स्कैम है नहीं। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि डू योर रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं कोई काम, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, एड्रेस दिया होता है, ईमेल आईडी दी होती है, तो आखिरकार वो ईमेल आईडी, एड्रेस और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आपके पास कोई ईमेल आईडी दिखती है, तो एक बार अपनी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से उस ईमेल आईडी पे कन्फर्मेशन के लिए मेल करें। मेल करने के बाद में हो सकता है वो मेल वहाँ तक ना पहुँचे, या आपके पास 24 घंटे में रिप्लाई ना आए, तो आप इसको समझ लें कि ये ईमेल आईडी एकदम जेन्युइन नहीं, फेक है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया रहता है, मैं आपको बता दूं कि हमेशा ऐसा होता है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है वो कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार कॉल जाएगी आपकी। अगर आपको लगता है कि वो इंडिया कॉन्टैक्ट नंबर है, या आपको डोमेस्टिक किसी भी कंट्री के हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर लोकल है, तो उस पर हो सकता है एक बार कॉल जाएगी, और पेमेंट के टाइम तक आपके कॉल जाती रहेगी, जैसे पेमेंट होता है तो उस नंबर पे कॉल रिसीव नहीं होती है। तो वो तरीका क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको पहले ये चीज़ चेक कर लेना कि मेल आईडी सही है या नहीं। मेल आईडी के लास्ट में जो .com रहता है, उस .com वाली, जैसे कि मैंने अगर बता दिया कि मैं IBM.com, rizwan@ibm.com, तो आपको IBM.com ये चीज़ चेक करनी है, ना कि कोई जीमेल से या आउटलुक से या रेडिफ मेल से या याहू से कोई मेल अगर उसमें दी हुई है, तो उसको हमेशा याद रखें कि वो फेक हो सकता है। कंपनी का जो एड्रेस दिया हुआ होता है, कंपनी के जो वर्ल्ड क्लास की कंपनीज दिखाते हैं वो अपनी, और US का होगा, कनाडा का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, ऐसे एड्रेस दिखाते हैं, और मलेशिया का होगा, और वो एड्रेस कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सही है,
लेकिन एक बात ये जान लें कि जब उस एड्रेस पे अगर आप किसी को भेजेंगे या किसी को पता करेंगे तो उस एड्रेस पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती, ना कोई होटल होता है, ना कोई रेस्टोरेंट होता है, ना कोई फैक्ट्री होती है, ना कोई ऑनलाइन वर्क के लिए वहाँ पे ऑफिस होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें एड्रेस दिया हुआ है तो वो ऑफिस भी वहाँ पर सेटअप हो। ये दूसरा पॉइंट है, आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उस पर एडवांस पेमेंट का आता है एक ऑप्शन, या तो रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ऑप्शन आता है। हमेशा आपने देखा होगा कि एडवांस पेमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपकी चली जाती है और उसके बाद में ना कोई रिप्लाई आता है, ना कोई मेल आती है, ना ही कोई कन्फर्मेशन आपको मिलती है। तो आपको पेमेंट एडवांस फीस नहीं करनी है, और अगर आप कर भी देते हैं एडवांस फीस, हो सकता है कि आपके आसपास के लोग हों या जान पहचान के लोग हों जिन्होंने आपको बताया होगा यार मैंने किया है तुम भी करो, तो ये एक जेन्युइन वर्क है। और आप अगर एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो आपको ऐसा वर्क दे दिया जाता है कि जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे आपका अमाउंट चला जाता है, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका टारगेट जब कंप्लीट नहीं होता है तो आपकी पेमेंट एडवांस और फीस रजिस्ट्रेशन वो बेकार हो जाती है, तो वो भी कंपनीज के नाम हो जाती है, आपके साथ ये भी धोखा हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखें एडवांस पेमेंट और यह रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन वर्क में नहीं लगती है। ऑनलाइन वर्क में किस बात की एडवांस पेमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस? कोई आप फॉर्म भर रहे हैं या उनके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, या आपको कोई टूल्स दे रही है कंपनी, या कोई सॉफ्टवेयर दे रही है, या कोई डिवाइस दे रही है? जब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपका अपना सिस्टम है, अपना मोबाइल फ़ोन है और आप अपने घर से काम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस किस बात की? और चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मनी बैक गारंटी, जब ये कभी भी लिखा हो मनी बैक गारंटी तो आप ये चीज़ देख लें कि कोई आप दुकान में किसी से सामान लेने नहीं जा रहे हैं कि अगर आपका सामान सही नहीं है तो वो आप जाके दुकान में आपको सामान वापस करना है, उससे पैसे ले लेना है। ये ऑनलाइन वर्क है, इस पर अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया और काम चालू कर दिया, तो आपका काम हो या ना हो उसके बाद आपकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मेल आईडी पे आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर पे आपका कॉल जाएगा नहीं, जो एड्रेस दिया हुआ है उस जगह पे कोई ऑफिस है नहीं, तो ये आपका गारंटी कोई काम का है नहीं। तो इस गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना गारंटी अगर इस तरह की होती है तो आप समझ लें कि स्कैम हो सकता है। अब पाँचवा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप कभी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग या पेटीएम वॉलेट या किसी भी तरीके से कोई पेमेंट ना करें। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप जाते हैं और पेमेंट के नाम पे अपना कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं, सीवीवी नंबर डालते हैं और पेमेंट डन करते हैं, तो आप यकीन करें कि अगर वो ऑनलाइन पेमेंट की फ़ीस जो है वो $2 है या $5 है, आपको लगता है $2 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है या $5 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए कि आपको $7,000 या $8,000 वीकली कमाने का मौका मिल रहा है तो ये आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, फिर आप पेमेंट करने के लिए सबमिट करते हैं जब, तो आपके पास मैसेज क्या आता है कि योर अमाउंट ऑफ $200 या अमाउंट ऑफ $300 हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अगर आपके पास कोई कार्ड हो जो एक्सपायर्ड हो, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है जो एक्सपायर्ड है, तो आप एक काम करें टेस्ट करने के लिए कि सही है या नहीं। जैसे ही कार्ड एंटर करेंगे, आप कार्ड का नंबर, सीवी नंबर वगैरह एंटर करेंगे, तो आपका क्या होता है कि एक मैसेज आता है कि योर अमाउंट ऑफ $200, $300 हैज़ बीन डिक्लाइंड एज योर क्रेडिट कार्ड इज ब्लॉक्ड। तो जब ये मैसेज आता है तो उस टाइम पे आपको समझ लेना है कि आपने $2 की पेमेंट करनी थी और ये $200 कट रहा था आपका। इसका मतलब कि कोई आपके साथ में ज़बरदस्त स्कैम कर रहा था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्रेडिट कार्ड जो होगा वो आपको ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड नहीं डालना, कोई अगर डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड है या ब्लॉक क्रेडिट कार्ड है या किसी का ब्लॉक क्रेडिट कार्ड है वो टेस्ट करने के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट कार्ड का मैसेज आ जाता है उसमें से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी ऑनलाइन पेमेंट या इस तरह की क्रेडिट कार्ड की डिटेल, क्योंकि जब सेव हो जाती है तो फिर से बाद के मैसेज आएगा। मेरे पास ऐसा हुआ, दोबारा भी मैसेज आया था, जब $200 नहीं कटेंगे तो $150 का मैसेज आएगा, $150 नहीं कटेंगे तो $100 का मैसेज आएगा। इस तरह से कर करके वो सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट कितनी है और जितनी भी लिमिट होगी वो आपको खाली करने की कोशिश करेंगे। तो ऑनलाइन में ये ज़रूरी है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना, सबको बताना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, नीचे लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। और मैं आपको बताता हूँ अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, आपका ऑनलाइन वर्क जो होता है उस पर कभी कभी क्या होता है, ईमेल पे
आपके पास में वर्क जो होता है, काम करने का तरीका, पूरे स्टेप्स जो है वो आती है मेल, आपके पास आती है कॉल, और जब कॉल आती है तो आपको पूरी तरीके से डिटेल बताई जाती है कि क्या क्या काम है, क्या क्या काम करना है आपको। तो आपको जब काम समझा दिया जाता है और आप अगर स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपसे पेमेंट वहीं पे ली जाती है, और पेमेंट के टाइम पे ही आपको मैंने बता दिया क्या होता है। अब अगर आप दो दिन रिप्लाई नहीं करते हैं तो, अब अगर दो दिन रिप्लाई नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके पास फिर से मेल आएगी। दो दिन रिप्लाई नहीं करते ये मत कहिए कि मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, अगर आपको टेस्ट करना है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये मत कहिए, ठीक है जस्ट गिव मी सम टाइम आई विल कॉल यू बैक। आप उसको टाइम देके दोबारा कॉल करने की बात करें, या आप उनसे कहें कि मुझे दोबारा कॉल कर लिए, वो आपको दिन में 4 बार कॉल करेंगे, उनके पास इतना टाइम है, अगर कोई मुर्गा फंसा उनका तो वो छोड़ नहीं सकते, उनके पास इतना टाइम है, दिन में 10 बार भी कॉल करेंगे, और जब बार बार कॉल आने लगे तो आप ये बात जान लें कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड करने का पूरा इरादा बना के आया है, या वो कंपनी किस तरह की है, आप इस बात को समझ लें। तो आप दो दिन के लिए पेशेंस रखें, दो दिन का पेशेंस रख के उसके बाद उससे बात करें, अगर आपको लगता है कि उसकी कॉल नहीं आई है तब आप उससे जाके बात करके, और उसके लिए एक फीडबैक ज़रूर लें किसी से कि भाई ऐसा ऐसा काम है, अगर किसी ने आपके आसपास किया होगा तो आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा। अब आपको अगले पॉइंट में अपना पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई ऐसा है कि आपका मोबाइल नंबर दे दिया आपने, आपका एड्रेस दे दिया घर का, आपकी लोकेशन दे दी, और ये सारा जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं एक कंपनी को बेचा जाता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन पेमेंट भले करें या ना करें, ऑनलाइन भले आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता है, लेकिन अगर आपका ये डेटा आपने दे दिया तो ये कंपनी को बेचा जाता है, और कंपनी को बेचने के बाद में वो डेटा उठा के उससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, और पेमेंट वगैरह अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है किसी बैंक में तो वो नंबर से आपकी बैंक डिटेल भी निकाली जा सकती है। तो आप ये जान लें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला डेटा बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है आपको किसी के साथ भी, आप ये जान लें। और अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको पास में कॉन्टेक्ट कर रहा है और आपको फॉर्म फिल कराने की बात कर रहा है, या फॉर्म फिल करने के बाद में आपके पास कोई OTP आ रहा है, उसी फॉर्म को फिल करने का कोई OTP आ रहा है, या कोई लिंक शेयर कर रहा है, अगर कंपनी कहती है कि हमने आपको एक लिंक शेयर किया है जिसमें OTP है और OTP इसमें एंटर करना है, तो लिंक को कभी भी ओपन ना करें। इससे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन और जो आपका OTP होगा, जो बैंक डिटेल होगी, वो सारी जो स्कैमर्स के पास चली जाती है और आपका बैंक अकाउंट यहाँ से खाली हो जाता है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जब कभी भी आप गूगल में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करके सर्च कर रहे होते हो तो उसमें बहुत सारी डिटेल आ जाती है, बहुत सारी कंपनीज़ के नाम आ जाते हैं नीचे, और बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जब आप वेबसाइट्स खोलते हैं कभी कभी ऐड भी दिया होता है गूगल में, सबसे ऊपर ऐड जब पड़ा रहता है तो लोग सोचते हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है, और उस ऐड को आप क्लिक करते हैं तो उस ऐड को क्लिक करने के बाद में नीचे आपको डिटेल मिलती है वेबसाइट में, और डिटेल मिलने के बाद में उसमें लिखा रहता है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें पूरा उनका वर्क दिया होगा, उस वर्क को पूरे ध्यान से पढ़ें और उसका प्रोसेस समझें, और उसी तरह का आपको काम करना है। तो अब क्या करते हैं आप कि आप वो जो है एप्लीकेशन के थ्रू जो है एक सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होता है जो आप कभी कभी गूगल से भी डाउनलोड करते हैं तो वो अननोन सोर्सेस से लिखा हुआ आता है, तो वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं तो पूरा का पूरा आपका मोबाइल फ़ोन और जो डेटा होता है वो हैक होने की पूरी संभावना रहती है। और ये साइबर सिक्योरिटी वाले जो काम करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, ये यही तरीके से, इसी तरीके से आपके मोबाइल का जो पर्सनल डेटा होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी जो है हैक करके चेक करते हैं और उससे आपके बैंक अकाउंट तक पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ में एक बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है। तो आप कभी भी अननोन सोर्सेज जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको डाउनलोड ना करें, अगर वो जेन्युइन वेबसाइट नहीं है तो, अगर आपने कोई देखी नहीं वेबसाइट, या कोई ऐसी वेबसाइट जो कि आपको पहले से कोई यूज़ कर रहा है उसको, वैसी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप प्लीज़ उसमें से अननोन सोर्सेज से वो एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। और अगला पॉइंट जो है वो डोंट बी ग्रीडी, किसी भी तरीके की ऑनलाइन जॉब देख के, वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब देख के आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, लालची ना हो पैसे के लिए, क्योंकि होता क्या है उस पर जब ऑनलाइन देख रहे होते हैं आप तो नीचे दिए रहता है बहुत सारे लोगों का फीडबैक कि इतने पैसे इन्होंने एक हफ्ते में कमा लिए, इन्होंने कमा लिया $1,000, इन्होंने कमा लिया $2,000, इस तरह से सोच के
कभी कभी क्या होता है, आप भी उस जाल में फंस जाते हैं जबकि वो लोग उन्हीं के अपने होते हैं, और आप भी क्या करते हैं कि यार पेमेंट कितनी करनी है, $5, पेमेंट कितनी करनी है, $10। काम भी बहुत आसान सा होता है, उसमें आपको लिंक में क्लिक करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है, या आपको कुछ डिटेल्स होती हैं वो फिल करना होता है, और जैसे ही आप ये सब काम करते 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 आगे बढ़ते रहेंगे, आपको आखिरी में कुछ अमाउंट भी वेबसाइट पर दिखा देता है कि आपने $2 कमा लिए हैं, $3 कमा लिए हैं, $4 कमा लिए हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती हैं जो आपने पढ़ी नहीं होती हैं, कि अगर आपने इतने दिन में इतना काम कंप्लीट नहीं किया, तो आपने 10 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अंदर ये टारगेट पूरा नहीं किया तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी, और जब आप टारगेट पूरा नहीं करते हैं मीन्स कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं तो आपकी वो पेमेंट नहीं आती है, और जो आप छोटे से अमाउंट को देते हैं वो भी चली जाती है भले वो जेन्युइन वेबसाइट हो। मैं आपको ये भी बता दूं, 3-4 हज़ार के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे पेमेंट करके और थक जाते हैं, उनका काम कंप्लीट नहीं होता है तो वो वेबसाइट को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। इस तरह से करके अगर उनके पास में वर्ल्ड से और अलग अलग उनकी पेमेंट कलेक्ट हो रही होगी तो ये मिलियंस में चले जाते हैं रुपए, जो उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं, और लोग इस अमाउंट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और वो अमाउंट उनके हाथ में पहुंच जाता है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आपको लालची नहीं बनना है कि बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा लेंगे, आपको पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पढ़ना है और उसके बाद ऑनलाइन वर्क करने के लिए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आई होप कि इसमें जो भी बातें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, शेयर भी करें दोस्तों में और भी लोगों को पता चले इस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम का लालच दे के बहुत सारे लोग लूट रहे हैं। जिन लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो सोचते हैं कि और ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएं, आगे के 4-6 महीने हम चलाते रहेंगे, और वो भी पैसा वो जाके ऑनलाइन वर्क में जाके पेमेंट कर देते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको भी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और ये वीडियो में जो जानकारी दी गई वो कैसी लगी आपको। चलिए मैं आपको वो बातें बताऊंगा अगले वीडियो में कि ऑनलाइन में कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको जेन्युइन तरीके से पेमेंट भी करती हैं और जो जेन्युइन तरीके से वर्क भी देती हैं, अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना भूलें। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।